हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गूगल क्रोम से हम किस तरीके से किसी भी कंपनी का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था किस तरीके से इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वो वीडियोज़ आप नहीं देखे अभी तक तो आप आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, आप चैनल पर जाके भी देख सकते हो। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो गूगल क्रोम ओपन करते हैं और जैसे ही ओपन होगा, ये ओपन होने के साथ हम आपको इसमें पूरा कंप्लीट तरीके से बताएंगे किस किस कंपनी का और कोई भी कंपनी हो सबका आप ड्राइवर बहुत ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एस्टेनबर्ग और फोकसराइट, जो कि टॉप माना जाता है साउंड कार्ड के मामले में। साउंड कार्ड मतलब ऑडियो इंटरफेस जो हमारा टॉप लेवल का आता है, वो एक फोकसराइट और दूसरा एस्टेनबर्ग, ये दो एक ऐसा साउंड कार्ड है, ऑडियो इंटरफेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इनके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले एस्टेनबर्ग देख लेते हैं, और किसी का कमेंट भी आया हुआ था कि एस्टेनबर्ग को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली इंस्टॉल करने का वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था, और सभी का जितना भी हम ड्राइवर होता है, जितने भी साउंड कार्ड्स का ड्राइवर होता है, सबको इंस्टॉल करने का वही प्रोसेस है जो मैंने दिखाया था आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में। बट इंस्टॉल करने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, अगर आप चाहो तो ये वीडियोज़ देख के कंप्लीट सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम दो तीन को इंस्टॉल करेंगे, देखते दो तीन कंपनी का ऑडियो इंटरफेस का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एस्टेनबर्ग, STENBERG, एस्टेनबर्ग ऑडियो इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे रिकमेंडेड कर रहा है UR22 ड्राइवर, तो हम UR22 का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। आप सबसे पहले देखो आपका साउंड कार्ड अगर आप परचेज करते हो, बेसिकली उसमें एक CD आता है। अगर आपको CD नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से अपनी कंपनी का नाम लिखोगे, ऑडियो इंटरफेस का जो भी कंपनी होगा, उसके बाद अपनी मॉडल नंबर, उसके बाद ड्राइवर, और उसके बाद अपनी यहाँ पे डाउनलोड लिख देना, तो वो डाउनलोड बेसिकली वाला वो ऑप्शन आ जाता है। तो अभी देख रहे हो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा दिख रहा है, कौन सा ऑफिशियल इसका वेबसाइट है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे सारा इसका ऑफिशियल वेबसाइट ही है, www.estenberg.net, तो सभी इसका वही वाला वेबसाइट है। तो हम यहाँ Estenberg, तो हमारा यहाँ पे हम क्या डाउनलोड करेंगे, हम UR22 एमहा नहीं करेंगे, सिर्फ 22, तो फर्स्ट में ही हमारा आ चुका है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो इसका साइट्स का नाम www.estenberg.net। तो जैसे ही इसको आप ओपन करोगे, इसके बाद देखो बेसिकली अब ये पेज हमारा ऐसा ओपन हो चुका है कि यहाँ से आप कोई भी एस्टेनबर्ग की ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जैसे ही आप नीचे करोगे तो यहाँ UR22 मॉडल नंबर जो हमारा होगा ऑडियो इंटरफेस का, वहाँ लेके चले आया है, और जर्मन इंग्लिश। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, टू कुक्स योर साइट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश पे सिलेक्ट करेंगे, ऑपरेशन मैनुअल्स, और ये देखो डाउनलोड एस्टेनबर्ग डाउनलोड हार्डवेयर UR22 डॉक्यूमेंट। तो ये इसका PDF दे दिया हमें, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो PDF को भी इस तरीके से पढ़ सकते हो, और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कहाँ से क्या करना है, तो इस तरीके से आप वो भी काम कर सकते हो। देखो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो नीचे जब आप करोगे इस तरीके से, तो यहाँ देखो आपको एमहा एस्टेनबर्ग USB ड्राइवर ऐसा करके है, और नीचे आप ध्यान से देखोगे इधर से तो आप देख सकते हो यहाँ पर एमहा एस्टेनबर्ग USB ड्राइवर। इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी देखो ये दिखाएगा फिर कितना गीगाहर्ट्ज़ पे आपको इंस्टॉल करना है, क्या करना है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ASIO4 इस तरीके से, और हर एक इंस्ट्रक्शंस इसमें दिया हुआ है। तो आप चाहो तो PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिक का सारा कुछ, सेटिंग्स, जितनी भी चीज़ है सब इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखते हैं अब हम दूसरा, और इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सारी कुछ इसके अंदर है ऑलरेडी। अभी इसका ड्राइवर हम डाउनलोड करेंगे, तो ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए सिंपल हम इस पर ओके करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारा देखो यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर्स है, निंडोर सबका लाइव आपको मिल जाएगा जो हमारा है, तो सब यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। हिलियन सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जितना भी VST आता है सबको, ट्रायल वर्जन सब डाउनलोड होगा। तो हम यहाँ पे देखो आपको निंडो लाइव को टिक करेंगे,
और देखते हैं क्या दिखा रहा है हमको। तो इस तरीके से आप ये निंटेंडो लाइव का सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड करने वाले थे स्टेनबर्ग का, तो देखते हैं ड्राइवर हमें कहाँ मिलेगा। इस पर क्लिक करके देखते हैं और support.com, सही है। देखो ये देखो stenberg.net/en/support.downloadhardware डाउनलोड यूआर टू। इस तरीके से अब यहाँ पे हमें ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है मैक के लिए डाउनलोड करना है या फिर विंडोज़ के लिए। तो नॉर्मली हम लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं। मैक मैक मतलब एप्पल की सेट, एप्पल कंपनी की जो हमारी सिस्टम्स आती है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़। तो विंडोज़ हमारा अभी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग विंडोज 7, 8, 10 या कुछ भी, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के अंदर आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो Windows 7 SP1, Windows 8 और 10 में ये सारा जो भी हमारा UI22 का होगा सॉफ्टवेयर काम करेगा। आप मैक के लिए इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। आप विंडोज़ के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली देखो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और हमारा जिप फाइल आसानी तरीके से डाउनलोड हो चुका है। देखो ये 3 MB की फाइल है और बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने अभी जो PDF आप लोगों को दिखाया था ये वाला, इसको अगर आप देख के इसको इंस्टॉल करोगे तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल आसानी तरीके से कर पाओगे। तो आप इस तरीके से स्टेनबर्ग की सारी ड्राइवर्स को डाउनलोड करने के बाद फोकसराइट की ड्राइवर डाउनलोड्स करने के लिए globals.focusrite.com पे आके यहाँ सपोर्ट पे क्लिक करना है, डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद इसकी ये दूसरी पेज ओपन होगी। यहाँ पे देख सकते हो अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो है ड्राइवर जो जो आपका मॉडल नंबर है वो सिलेक्ट करना है, जैसे 8i6 इसको सिलेक्ट करा और यहाँ SI एग्री करने के लिए आएगा तो आपको नॉर्मली उसे करना है और डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड से क्लिक करने के बाद यहाँ भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस पे सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन है और डाउनलोड्स ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फोकसराइट का स्वीट ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। और आप देखते हैं बेरेंगर का कैसे डाउनलोड होगा। तो बेरेंगर आप लिखोगे बेसिकली इसी तरीके से सारा डाउनलोड होगा। आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आगे वाली वीडियोज़ में आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इस लाइक में दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद, वीडियो पसंद